अगली खबर में बात करते हैं सपना की, जहां रविवार को पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां एक गाय के शव को जेसीबी से बांधकर सड़क पर करीब 500 मीटर तक घसीटा गया। इसके बाद उसे ले जाकर खुले मैदान में फेंक दिया गया। संवेदनहीनता की इस घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे लोगों ने बना लिया। घटना शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित पेप्टिक सिटी टाउनशिप के सामने की है, जहां पर एक ढाबे के पास गाय मर गई थी। ढाबा संचालक ने मृत गाय को वहां से हटाने के लिए जेसीबी बुलवाई थी। पेप्टिक सिटी के आगे अटल प्रताप सिंह का ढाबा है। ढाबे के पास गाय मर गई थी, जिसे हटवाने के लिए उसने रविवार को एक जेसीबी बुलवाई, जिसके चालक ने गाय के पैरों को जेसीबी से बांध दिया और सबको सड़क पर घसीटते हुए करीब 500 मीटर दूर मैदान तक ले गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया। अपर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम राजेश शाही ने जांच करने टीम भेजी। सीएसपी महेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। इस मामले में ढाबा संचालक तथा जेसीबी चालक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। गाय के सबको सड़क पर घसीटे जाने की इस घटना ने हिंदू संगठनों और गौ सेवकों की नाराजगी बढ़ा दी है। बजरंग दल के प्रांत गोरक्षा प्रमुख सचिन शुक्ला ने कहा कि रविवार को सामने आई यह घटना न केवल शर्मनाक बल्कि अमानवीय भी है। इस तरह की घटनाओं से हमारी भावनाएं आहत होती हैं। इन पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। ऐसा घृणित दुस्साहस करने वालों के खिलाफ कानून भी सख्त होने चाहिए, प्रांत गोरक्षा प्रमुख शुक्ला ने कहा कि इस घटना के संबंध में प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों से चर्चा कर कार्यवाही की मांग की गई है।